हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ऑफिशियल। एंड टुडे वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग आवर यूनिट 4। बट थोड़ा सा पार्ट जो है इसका सीक्वेंस जनरेटर डिटेक्टर, वो एक्चुअली यूनिट 3 के अंदर हमें टॉपिक गिवन है, बट दैट इज रिलेटेड विथ यूनिट 4, इसलिए मैंने उसको अभी आपको मिल गई होगी वो वीडियो ऑलरेडी। तो वो आपने अगर वहां से पढ़ लिया है तो यू विल गेट दैट थिंग। अब आपको वो चाहे क्वेश्चन यूनिट 3 में आए, चाहे वो यूनिट 4 में आए, आपको कहीं पर भी सेम ही लॉजिक को अप्लाई करना है। ऐसा है कि सीक्वेंस जनरेटर में हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज हो रहा है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो यूनिट 3 का टॉपिक है। एंड स्टेप 4 हमारा जो सीक्वेंस डिटेक्टर है उसमें हम स्टेट रिडक्शन और असाइनमेंट वाली चीजें पढ़ रहे थे। तो यहाँ वो जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि चलो दोनों भी कहीं पर भी इंटर रिलेटेड हो, टॉपिक एक है, आपको क्वेश्चन उसके लिए इंडिविजुअल आएगा। तो यूनिक टॉपिक था, उसको मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल चीज हम देखेंगे स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट को। तो आपको क्या होता है ना, एक ऐसा डायग्राम गिवन होता है, जैसे अभी हमने मिले मशीन के अंदर डिजाइन किया था, राइट? तो वैसे कोई एक डायग्राम गिवन होगा एंड आपको उसको क्या करना होगा, उसको आपको रिड्यूस करना है। देखो स्टेट रिडक्शन, ठीक है, एंड आपको नया डायग्राम बनाना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम फॉर यू एंड वी विल परफॉर्म दिस थिंग। उससे पहले अगर आपने नोट्स नहीं लिया, can just fill the form which is there in description and you will get complete notes plus all the master solutions and everything related to your exam at one place, okay? So, chaliye start karte hain. सो लेट से ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा इजीली हमें क्या करना है, इसको करना है छोटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं रिड्यूस, तो उसके लिए स्टेप वन है हमारा। देखो ये तो है हमारा डायग्राम। अब हमारे पास स्टेप वन है कि हमें वही हमारा स्टेट टेबल बनाना है। हमें स्टेट डायग्राम मिल चुका है तो स्टेट टेबल हमें बनाना ही है। ऐसे ही समझो कि ये स्टेप वन है तो ये स्टेप टू ही है। तो पहले से अगर ये गिवन है तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ द स्टेट टेबल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही हुआ है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, यहाँ पर आती है आपकी नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, आप पूरा लिखना प्लीज। यहाँ पर आ जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये होते हैं नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हमारा एक्स जो है वो जीरो हो सकता है यहाँ पर, या तो एक्स वन हो सकता है, यहाँ पर भी एक्स जीरो हो सकता है या फिर एक्स वन हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे जब आपने सीक्वेंस डिटेक्टर जनरेटर वाली वीडियो मेरी देखी होगी, विच इज द मोस्ट अभी लेटेस्ट वन विच आई हैव गिवन जस्ट बिफोर दिस, ओके। तो ये चीज है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है हमारी प्रेजेंट स्टेट्स कौन सी हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसको देखना है और आगे आगे बढ़ना है। इसका मतलब देखो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और उसका आउटपुट क्या होगा। देखो ए पर है, अगर इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जब जीरो है, तो जब जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट पे तो वो ए पे ही आ गया ना, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ए ही होगी। और इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट ये वाले लास्ट वाला बताता होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। सो आई होप आई एम मेकिंग दिस सेंस क्लियर। प्लीज आपने अगर सीक्वेंस जनरेटर डिटेक्टर वाली वीडियो देखी होगी सो दिस विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो देखो अब एक्स वन के लिए क्या होगा, देखो ए है राइट, तो ये वन पे कहां पे जा रहा है ये हमें देखना है। तो वन पे देखो ये वन है इनपुट में, तो ये कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो यहां पे बी आ जाएगा और आउटपुट क्या है, जीरो है। समझ में आ गया ना। बी पे देखो, बी पर आ गए हम, अब बी से जीरो भी जाएगा वन भी जाएगा, तो जीरो पे जा रहा है तो कहां जा रहा है, सी पे जा रहा है, और वन पे देखें इसका आउटपुट तो क्या होगा, जीरो होगा। एंड बी से अगर हम वन दे रहे हैं इनपुट में तो क्या आ रहा है हमारा, डी पे जा रहा है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और आउटपुट क्या है हमारा, जीरो ही है। समझ में आ गया। अब सी पे देखो, सी पे खड़े हम, सी पे जीरो है तो कहां पे जा रहे हैं हम, ए पे जा रहे हैं राइट, और सी पे अगर वन है तो कहां पे जा रहे हैं हम, डी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और जीरो पे है तो आउटपुट क्या है, जीरो ही है। एंड डी पे जा रहे हैं तभी भी आउटपुट क्या है, जीरो है। ये जो लास्ट वाला है ऑब्लिक के बाद वो हमारा आउटपुट दिखा रहा होता है। अब हम डी पे खड़े हैं, ठीक है, हम डी पे खड़े हैं, तो जब जीरो होगा तो जीरो होगा तो डी के लिए हम कहां पे जा रहे हैं, तो ये एरो आई हैव मिस्ड, ये यहां पे जा रहा है, ठीक है, यहां पर आएगा जीरो बाय जीरो, ठीक है। तो डी पे अगर जीरो है तो हम कहां जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, ओके, और अगर वन है तो कहां पे आ रहे हैं, एफ पे आ रहे हैं। ई पे भी हमारा आउटपुट क्या है, जीरो है। एंड ई पे अगर हम देखें यहां पर डी से अगर हम वन से आ रहे हैं तो एफ पे जा रहे हैं, यहां पर अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट क्या है, वन है, कंसिडर्ड, ओके। नाउ यहाँ पर हम ई पे खड़े हैं, ई पे खड़े हैं, अब हमारा जीरो होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ए आएगा और आउटपुट क्या है हमारा, जीरो ही है। अब वन पे हम कहाँ जा रहे हैं, एफ पे जा रहे हैं, है ना, और आउटपुट क्या है, वन है, ठीक है। अब एफ पे खड़े हैं हम, एफ पे अगर हम जीरो दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं हम, जी पे जा रहे हैं राइट, यहाँ पे जी आ जाएगा और आउटपुट क्या है, इसका जीरो ही है। एफ पे खड़े अगर हम वन दे रहे हैं तो हम एफ के ऊपर ही आ गए, इसका मतलब एफ पे ही आ गए, आउटपुट क्या है, वन है। अब जी पे खड़े हैं, ठीक है, लास्ट वन, अब जी पे खड़े हैं तो जीरो पे है, तो जीरो जीरो पे हम कहाँ चले गए, ए पे
चले गए, आउटपुट जीरो ही बचा। अगर हम वन दे रहे हैं तो हम एफ पे आ जा रहे हैं इसका मतलब, और आउटपुट यहाँ पर वन बचा, तो ये बन गई हमारी क्या, स्टेट टेबल। ठीक है, ये स्टेट टेबल हमारी बन चुकी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हमें इसके अंदर चेक करना है, कैसे चेक करना है देखो, अब हमें रिडंडेंसी को चेक करना है। रिडंडेंसी क्या होती है, वही चीज रिपीटेशन। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको मिले सर्किट, मतलब अभी जो मिले मशीन हमने देखी थी सिक्वेंस जनरेट डिटेक्ट करते हुए, तो हमने इसके अंदर देखा था। अब आपको देखो क्या करना है, हमें आना है नीचे से देखते हुए। ठीक है, हमें नीचे से देखना है, तो हम कैसे करेंगे देखो, अगर हम यहाँ पर जी को देख रहे हैं, ठीक है, जी को देख रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, ए एफ, और यहाँ पर भी है ए एफ, है ना, ये ए एफ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी है ए एफ, तो क्या बस इतना ही देखना है हमें, नहीं, हमें आउटपुट को भी देखना है। क्या ये जीरो वन है और ये भी जीरो वन है, यस, तो ये क्या है, हमारे रिडंडेंट है। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है हमारे क्वेश्चन में कि यहाँ पर तो ए एफ है लेकिन यहाँ पर जो है सिक्वेंस चेंज है, तब हमें इसको रिडंडेंट कंसिडर नहीं करना है। तो ये क्या है, हमारी रिडंडेंट वन, और कोई रिडंडेंट है क्या, वो हम नेक्स्ट देख रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर देखो ए एफ और क्या है हमारे पास ए एफ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, इस जी को देखना है और यहां पर क्या है, ई है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखो ई है, जी है और एफ एफ है, तो देखो जो सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है, सबसे नीचे वाला होगा, हम इसको क्या कर देंगे, यहां पर इसको हम कर देंगे स्किप। तो आप कैसे लिखोगे, ई इज इक्वल टू जी, है ना, आप ऐसे लिखोगे ई जी इज इक्वल टू जी, तो हम आगे लिख देंगे क्या, स्किप जी। ठीक है, स्किप जी करेंगे, अब हमने स्किप तो कर दिया जी को, लेकिन स्किप जी का मतलब क्या है, अब ये पूरी रो को हम नहीं देखेंगे क्रॉस। ठीक है, स्किप जी तो हमने कर दिया, लेकिन और एक चीज हमें करनी है, पूरे के पूरे टेबल में जहां पर भी जी प्रेजेंट है हमें उसको रिप्लेस कर देना है ई से। समझ में आ गया, तो जैसे कि यहाँ पर ये जी है ना, तो इसको तो मैं पूरे को रफ करूंगी। ठीक है, इसको पूरे को रफ करूंगी, अब मुझे देखना है जी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जी तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ई कर दूंगी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ई। अब ये जो स्टेप है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप आगे बढ़ते हो, अब आप देखते हो कि और कोई रिडंडेंट है क्या, अब इसकी रिडंडेंसी हो गई कंप्लीट, है ना। अब आपको देखना है और कोई रिडंडेंट बना, यस, ये ई एफ और ये ई एफ रिडंडेंट बना, राइट, इसका मतलब अब हमें किसको देखना है, अब हमें इस डी को देखना है और इस एफ को देखना है। हमेशा याद रखो इस चीज में, हमें आपको आपको नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये ई एफ और ये ई एफ क्या है, हमारे रिडंडेंट है। ठीक है, रिडंडेंट टू है, तो अब देखो ये ई एफ है और ये भी जीरो वन है, और ये ये भी जीरो बने, इसीलिए मैंने इसको बोला। तो अब यहाँ पर D और F इक्वल हो गए, तो मैं किसको स्किप करूंगी, जो सबसे नीचे है उसको स्किप करूंगी, तो स्किप F, और मैं F जहां पर भी होगा उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, D से रिप्लेस कर दूंगी। तो पहले तो मैं इस F को निकाल दूं, है ना, पहले मैंने इस F को निकाल दिया, अब F जहां पर भी प्रेजेंट है मैं उसको क्या कर दूंगी, D कर दूंगी, तो मेरा यहां पे हो जाएगा D और यहां पर भी हो जाएगा क्या, D। मेरा और कहीं पे भी एफ प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो ये जो है ना, अब ये, अब इसके अंदर हम देखें कहीं पर रिडंडेंट, तो ये देखो एडी और एडी 0001, तो क्या ये रिडंडेंट हुए क्या, नहीं हुए। ठीक है, तो प्लीज ऐसे देखना है हमें, और अगर लास्ट रिडंडेंट नहीं हुआ तो हम आगे क्या देखें अब। ठीक है, और कोई भी रिडंडेंट यहाँ पे नहीं है, सो दैट्स ऑल। अब ये जो है ना हमारा रिड्यूस्ड स्टेट टेबल बन चुका है, अब इसे देख के हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करना है। तो मुझे बताओ ए बी सी डी ई ही बचे, जो एफ और जी थे वो हमारे क्या हो गए, निकल गए, इसका मतलब हम कितने स्टेट से रिड्यूस हुए, तो वी हैव रिड्यूस्ड बाय टू स्टेट्स। ठीक है, वी हैव रिड्यूस्ड बाय टू स्टेट्स, इसका मतलब अब जो हमारा फाइनल डायग्राम आएगा उसके अंदर ये जो दो स्टेट्स हमने रिमूव किए हैं वो होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, देखो अब हमारे हो गए ए और बी, तो हमारे देखो मैं इसको रफ करती हूँ एंड वी विल मेक दिस अगेन। ओके, तो देखो हमें पहले की पोजीशंस थोड़ी सी मैच रखनी है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर है ए, तो ए यहाँ पर ही था, उसके बाद है बी, तो बी यहाँ पर था, उसके बाद सी, सी कहाँ पर था, आप देखो पीछे जाके तो ये सी पर था, उसके बाद डी अगर देखें तो डी इधर था, और ई अगर देखें तो ई इधर था, यहाँ के एफ और जी जो है वो हमारे निकल गए। अब द सेम थिंग, अब जीरो पर है हम, तो जीरो पर है तो हम जीरो पे ही रहेंगे, ए पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो बाय जीरो। अगर ए पे हम वन दे रहे हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, बी पे चले जाएंगे, और आउटपुट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब बी पर खड़े, बी पर अगर हमने जीरो दिया तो कहाँ चले गए, हम सी पर चले गए। ठीक है, जीरो, और आउटपुट क्या है हमारा, जीरो ही रह रहा है। अब अगर बी पर हमने वन दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, वन पे पहुंच गए, तो यहाँ पर वन और आउटपुट फिर भी हमारा जीरो है। अब हम कहाँ खड़े हैं, सी पे खड़े हैं, सी पे अगर जीरो दिया तो हम ए पे चले जाएंगे। ठीक है, और आउटपुट क्या रहेगा, जीरो ही।
अब सी पर अगर हमने 1 दिया तो हम कहाँ चले जाएंगे, डी पर चले जाएंगे और आउटपुट क्या रहेगा, अभी भी 0 ही रहेगा। अब हम डी पे खड़े हैं, डी पे खड़े हैं इसका मतलब अगर हमने 0 दिया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ई पर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर 0 एंड आउटपुट भी हमारा 0 ही होगा। अब उसके बाद डी पे अगर हमने 1 दिया तो हम डी पर ही रह जाएंगे, ठीक है, ये चीज हमारी नहीं हुई है और हमारा आउटपुट भी 1 रहेगा तो 1 पे 1 ही रहेगा। अब ई पे हम खड़े हैं तो अगर हमने 0 दिया तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं ए के ऊपर, और यहाँ पर अगर हमने 0 दिया तो यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 0। अब E को अगर हम दे रहे हैं 1 तो हम कहां पर पहुंचने वाले हैं, D पर पहुंचने वाले हैं, तो सिमिलरली यहां पर हम D पे पहुंच जाएंगे और हमारा जो 1 होगा उसके लिए आउटपुट हमारा 1 होगा। एंड दिस इज द फाइनल थिंग, ओके, दिस इज द फाइनल थिंग व्हिच यू हैव टू कंसीडर, एंड ये पूरा स्टेट टेबल आपको लास्ट बनाना है, एंड आपने कर लिया स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट आपने कर लिया, ठीक है, कितना ज्यादा सिंपल था, ओके, तो द सेम थिंग यू हैव टू फॉलो एवरी टाइम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एंड वी विल बी वाइंडिंग अप विद दिस सेशन। स्टेट रिडक्शन असाइनमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, बस यही है आपको कि स्टेट टेबल बनाना है एंड आपको उससे डील करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, नाउ लेट सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको सपोज गिवन है, तो आप प्रेजेंट स्टेट के अंदर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपके पास देखो ए बी सी डी ई एफ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट स्टेट में आप लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, है ना। अब आपको क्या देखना है, जीरो पे है तो हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे ही रह रहे हैं, तो ए और आउटपुट क्या है, जीरो ही है। अब ए पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो हम कहाँ आ जा रहे हैं, बी पे आ जा रहे हैं और आउटपुट क्या है, अभी भी 0 ही है। अब B के लिए देखें, हम B पे खड़े हैं, B में अगर हम 0 जा रहे हैं तो हम C पे चले जा रहे हैं, एंड B से अगर हम 1 पे आ रहे हैं तो हम D पे चले जा रहे हैं, और दोनों भी टाइम पे आउटपुट क्या है, हमारा 0 ही है। C पे खड़े हैं, C पे अगर 0 पे आ रहे हैं तो हम कहां आ जाएंगे, E पे आ जाएंगे, तो E पे आ गए और आउटपुट 0 ही है। फिर अगर हम C में 1 दे रहे हैं तो हम F पे आ जाएंगे और आउटपुट अभी भी क्या है, 0 ही है। D पे खड़े हैं, D पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो हम B पे चले गए और आउटपुट 0 ही है। D पे अगर हम खड़े हैं और A1 दे रहे हैं तो A पे चले गए और आउटपुट क्या है, इस वक्त 1 है। E पे आ गए हम, E किधर है, इधर। अब 0 दे रहे हैं तो हम C पर चले गए और आउटपुट अभी भी 0 है, एंड C पर E पे खड़े हैं, हम 1 दे रहे हैं तो हम D पर चले गए एंड वी विल हैव 0 अगेन। अब अगर हम F पे खड़े हैं, F से हम 0 दे रहे हैं तो हम B पे आ गए और आउटपुट अभी भी 0 है, एंड F पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो हम A पे आ गए एंड आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इतना हमें मिल गया, अब हमें चेक करनी है क्या, रिडंडेंसी। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेट टेबल। अब मैंने क्या बोला है, नीचे से ऊपर आप जाओगे तो देखो F से हम देखेंगे तो B A कहां पर भी है, ये बी ए यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी चेक करना मत भूलना, 0 1 है और 0 1 है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, हमारे रिडंडेंट हो गए। तो इनके लिए हमें क्या देखना है, देखो डी इज इक्वल टू व्हाट, एफ, तो हम किसको स्किप करेंगे, जो लास्ट वाला है, और जहां पर भी एफ होगा उसमें कहां रिप्लेस कर देंगे, डी। तो पहले तो मैं इस वाले कॉलम को, ये रो जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब जो स्किप एफ कर दिया हमने, अब हमें क्या करना है, जहां पर भी एफ प्रेजेंट है उधर मुझे क्या लिख देना है, मुझे लिख देना है डी, और कहीं पर एफ प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो मेरा स्टेट टेबल एक से रिड्यूस हो गया, तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हमें देखना है दूसरा, तो यहां पर सीडी है, तो क्या यहाँ पर भी सीडी है, यस, तो यहाँ पर भी सीडी है, यहाँ पर भी सीडी है, यहाँ पे 0 0, यस, तो ये जो है ये और ये सीडी मेरे अब रिडंडेंट बन गए ये दोनों। तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू व्हाट, ई, और यहाँ पर हम स्किप किसको करेंगे, जो सबसे नीचे है उसको, है ना, और ई को हमने स्किप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सब ई को, ई को किसके साथ, बी के साथ। तो पहले तो इस ई वाले रो को मैंने निकाल दिया, और जहां पर भी ई है, यहां पर ई है ना, मैं यहाँ पे बी रिप्लेस कर दूंगी, समझ में आ गया। नाउ ये बी ए है, तो कहीं पे अब यहां पर आपको दिख रहा है क्या, कहीं पर भी रिडंडेंसी नहीं, तो ये मेरा बन गया फाइनल स्टेट टेबल, ठीक है। इसका मतलब अगेन हम कितने स्टेट से हम रिड्यूस हुए हैं, 2 स्टेट से हम रिड्यूस हुए हैं, क्लियर है ना, 2 स्टेट से हम रिड्यूस हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फाइनल डायग्राम बनाना है, जो कि होगा इसके लिए, सो दैट विल और होमवर्क, एंड आप उसको बना लोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपली आप बना लोगे। तो चाहो तो यार देख लो, यहाँ पर आपका ऐसा आएगा आउटपुट के अंदर, देखो ये जो है आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको बस इसको कंसीडर करना है, आपको 4 बनाने हैं, एंड जैसे हमने देखा 0 के लिए कहां जा रहा है, 1 के लिए कहां जा रहा है ना, सिंपल फॉर्मेट के अंदर यू हैव टू डू द सेम थिंग। एंड यस, वी हैव डन विद द टॉपिक ऑफ स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट, एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे ASM चार्ट के ऊपर होगी, तो बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हम
आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ASM चार्ट के लिए एक वीडियो हो जाएगी एंड हमारा जो टॉपिक है PLDs, ठीक है। तो अगर बेसिक देखें यूनिट 4 के अंदर तो हमारे पास ASM और PLDs ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, ठीक है, जिसमें हमें देखना है ASM चार्ट्स, ठीक है। तो ASM चार्ट्स क्या होते हैं, ASM का फुल फॉर्म क्या होता है, लेट मी राइट ओवर हियर। तो ASM का फुल फॉर्म होता है अल्गोरिदमिक स्टेट मशीन, ठीक है, अल्गोरिदमिक स्टेट मशीन। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। हमने क्या पढ़ा है, फ्लो चार्ट्स को पढ़ा है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स हम क्यों बना रहे होते हैं, ताकि हमें प्रोग्राम समझ में आए कि किस फ्लो में जा रहा है। एंड प्रोग्राम क्या होता है, हमारी कोई सॉफ्टवेयर थिंग होती है ना। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो वर्क किसके लिए कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन ये जो ASM है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लो चार्ट ही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लो चार्ट ही है, लेकिन किसके लिए है, हार्डवेयर के लिए है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हार्डवेयर के लिए जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो उसको क्या बोल रहे थे हम, ASM चार्ट बोलते हैं। एंड ASM का फुल फॉर्म क्या है, हमारा अल्गोरिदमिक स्टेट मशीन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम डिजाइन करेंगे एंड दिस इज द स्टार टॉपिक ऑफ योर यूनिट 4। मैंने आपको इसको बताया हुआ भी है कि आपको कौन से टॉपिक्स यूनिट 4 में बहुत अच्छे से पढ़ने। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हमने सिक्वेंस के अंदर, सपोज सिक्वेंस जनरेटर एंड डिटेक्टर, तो वीडियो आपको देखनी है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने स्टेट रिडक्शन और असाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। एंड देन दिस दैट थिंग विल बी हेल्पिंग यू हियर, ओके। इससे हमें क्या बनाना है, ASM चार्ट्स को डिजाइन करना है। तो आपको देखो दो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो कि फिक्स होंगे एंड वही दोनों पे भी आपको कोई भी आप दिख सकता है कि जो भी आप देखो लाइक आपको जो भी क्वेश्चन होता है लेट से और के अंदर भी, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है या तो आपका ASM, आपका ASM तो आता ही आता है और आपके PLDs, ठीक है, PLDs भी आते ही हैं, ठीक है। PLDs के अंदर हमारे क्या है, PROM है हमारा, उसके बाद क्या है, PAL है, उसके बाद हमारा क्या है, PLA है। तो ये सारी तीनों चीज़ें आपदारी PLDs के अंदर आती हैं। तो ये डिज़ाइन करने आता है एंड ASM भी डिज़ाइन करने आता है। तो आपको इन दोनों के ही आपको आप ऐसे कह सकते हो कि क्वेश्चंस दिखेंगे, तीन क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है ASM पे एक हो, PLDs पर दो हो, PLDs पर एक हो, ASM पर दो हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे एंड आपको ऐसा ही मिलेगा पेपर के अंदर, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड हो सकता है आपको स्टेट रिडक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आए, जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन फिक्स नहीं है, आपको यूनिट 3 के अंदर आए, यूनिट 4 के अंदर आए, पढ़ लिया है टॉपिक, कहीं पर भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ASM के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा आप फोकस करो, बहुत ज्यादा ईजी टॉपिक है, इसके ऊपर आपके मार्क्स जाने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स आप समझ जाओगे तो आप डिजाइन करना सीख जाओगे। जैसे फ्लो चार्ट्स के अंदर हमने देखा था रेक्टेंगल होता है किसके लिए, प्रोसेस के लिए, हमारा ये वाला पैरेललोग्राम होता है किसके लिए, इनपुट के लिए, है ना। फिर हमने डिसीजन बॉक्स देखा था, फिर हम लूप्स वगैरह देख रहे थे, वो सब होता है फ्लो चार्ट में। ASM चार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं देखो, सबसे पहला आपका होता है स्टेट बॉक्स, ठीक है, स्टेट बॉक्स, स्टेट मशीन है, डेफिनेटली स्टेट बॉक्स होना चाहिए। तो स्टेट बॉक्स क्या होता है, ये आपका ऐसा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर जो भी हमारी स्टेट होती है, ऑब्वियसली हम स्टेट से डील करने वाले हैं। स्टेट्स क्या होती हैं, S0, S1, S2, S3 जितनी भी हो सकती हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो S0 अगर सपोज जो भी हमारी स्टेट हो तो वो स्टेट इसके अंदर डिफाइन हो रही होती है, लेट्स से S0 स्टेट है ये, ठीक है। एंड उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होती है लेट्स से 0, 0, वो यहाँ पर डिफाइन हो रही होती है। तो ये क्या है, सिंपल आपका स्टेट बॉक्स है, ठीक है। आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ASM चार्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अभी यहां पर आप 3 कंपोनेंट्स के अंदर ऐसे शो करो। मास्टर सॉल्यूशन के अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से 2024 का और 2023 के जो पेपर्स हैं कुछ वो सॉल्व करे हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मैंने वहां पर टू द पॉइंट, जैसे आपको क्वेश्चन मतलब आंसर लिखना है ना, मैंने वही आंसर शीट लिया है उसी में आपको लिख के दिया है। तो पूरा मास्टर सॉल्यूशन अगर आपको वहां पर वीडियो भी मिल जाएगी एग्जाम के 1-2 दिन पहले, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल विच यू कैन ज्वाइन जस्ट बाय फिलिंग द डिस्क्रिप्शन फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, ओके। तो गूगल फॉर्म आप अगर फिल कर लेते हो, कंप्यूटर या AIDS स्टूडेंट्स अगर आप हो, तो डेफिनेटली ASM की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दैट उसकी जो गारंटी है आई विल बी गिविंग यू। तो चलिए दैट्स ऑल द थिंग। तो स्टेट बॉक्स के लिए आपको समझ में आ गया स्टेट बॉक्स क्या होता है। सेकंड कंपोनेंट आपका होता है डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो डिसीजन बॉक्स का मतलब क्या है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उससे लास्ट वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा कि हम या तो 0 दे रहे होते हैं या तो हम 1 दे रहे होते हैं। अगर हम 0 दे रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, 1 दे रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, तो वही चीज हमें जो है डिसाइड करनी है। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसीजन बॉक्स को कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो डिसीजन बॉक्स हमारा कुछ ऐसा होता है डायमंड शेप में, ठीक है।
डायमंड शेप के अंदर होता है, सिम जैसे हम इफ एल्स के लिए कर रहे होते हैं। एंड अगर जो भी हमारी आउटपुट, जो भी हमारी इसके अंदर इनपुट आया है ना, तो वो हमें चेक करना है जो एक्स है हमारा वो या वन है या जीरो है। अगर वन है तो हमें इधर आगे बढ़ना है, अगर जीरो है तो हमें इधर आगे बढ़ना है। तो ये होता है हमारा डिसीजन बॉक्स, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में। थर्ड चीज़ होती है हमारी कंडीशन, कंडीशन बॉक्स, ठीक है, कंडीशन बॉक्स। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये बहुत रेयरली यूज़ हम करेंगे। ये देखो, ये जो है इसको ऐसे दिखा रहे होते हैं हम, ऐसे ओवल टाइप शेप के अंदर। एंड जब हमारा आउटपुट वन होता है तभी इसको जो है ना यूज़ किया जाता है, जब हमारा आउटपुट वन होता है। और वो भी कहाँ, ज़्यादातर इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं मीले, हमारी मीले मॉडल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, यही चीज़ें हैं जो थ्री कंपोनेंट्स हमें जानने थे। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन हम एग्जाम्स में आएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम चार्ट को बनाना है। सो लेट्स गो एंड सी दैट। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो इसका पूरा क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। डिजाइन ASM चार्ट फॉर 2-bit, ओके, 2-bit हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या 2-bit बाइनरी अप काउंटर, ठीक है। हमें क्या करनी है, हमें करनी है यहाँ पे अप काउंटिंग, ठीक है। ये है हमारा अप काउंटर जो हमें डिजाइन करना है। उसके अंदर ई जो है वो हमारी अनेबल लाइन है, ये क्या है, हमारी अनेबल लाइन है। उसमें हमें कंडीशन दी है, अगर ई वन है तो हमारी जो काउंटिंग है वो अनेबल होगी, यानी कि हम आगे बढ़ेंगे। ई अगर जीरो है तो हमारी जो काउंटिंग है वो डिसेबल हो जाएगी, यानी कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आ गया। तो इस चीज को हमें देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज के लिए हमें बनाना होगा स्टेट डायग्राम, एंड देन उसके बाद हम बना देंगे हमारा ASM चार्ट। तो इसके लिए हम स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हमें बोला है क्या है, 2-bit है। तो अगर 2-bit है तो मेरे मुझे बताओ कि 4 स्टेट हमारे पास स्टेट्स कितने होंगे, मैंने आपको बता ही दिया। तो डेफिनेटली स्टेट्स आपके हो रहे होंगे 4 स्टेट्स। कैसे, मैं आपको बताती हूं। देखो 2-bit है ना, इसका मतलब क्या हो सकता है, या 00 हो सकता है, 01 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो कितने स्टेट्स हो गई आपकी, यहां पे 4 स्टेट्स हो गई। तो यही 4 स्टेट्स आपकी कहां है, यहां पर है, ठीक है। तो ये पहले हमने डिसाइड कर लिया, तो हमारी कौन सी स्टेट्स हैं, हम इसको यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे है हमारी 00, यहाँ पर आ जाएगी हमारी 01, ठीक है। आप कोई भी मैनर में बना सकते हो, यहाँ पे 01 आ गई, यहाँ पर आप बना सकते हो क्या 10, यहाँ पर आप बना सकते हो क्या 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो कंडीशन आपको दी है वो ध्यान में रखनी है। ई इज इक्वल टू 0 है तो आपकी अनेबल हो जाएगी काउंटिंग। इसका मतलब अगर हमारी यहाँ पर ई अगर 1 होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ई अगर हमारी 1 होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। सिमिलर में ई अगर 1 होगी तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सिमिलर पैटर्न में हम कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में जब हमारी ई 1 होगी, क्योंकि 4 है ना तो हमेशा कैसी वो काउंटिंग होगी, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ऐसी कुछ काउंटिंग हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया E इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हमने कर लिया। लेकिन अगर हमारा E इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो E अगर इक्वल टू 0 है तो हमेशा याद रखो हमारी काउंटिंग अगर डिजेबल हो रही है, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ होता है होल्ड, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर डिजेबल्ड ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा E 0 होगा फॉर 00 तो हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 01 का भी कहाँ चला जाएगा, हमारी फर्स्ट स्टेट पर चला जाएगा ई अगर 0 है तो। अगर 10 का है तो भी हमारा इधर चला जाएगा, एंड वी हैव टू राइट ई इज इक्वल टू 0। एंड हमेशा हर टाइम पे हमारा जो 0 पे है ना, हमारा इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट में हम उसी पे चले जाएंगे, क्योंकि स्टेट क्या हो रही है, यहाँ पर काउंटिंग क्या हो रही है, डिजेबल्ड हो रही है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला स्टेट डायग्राम बनाने का काम तो हमारा हो गया, एंड दैट इज द थिंग विच विल बी हेल्पिंग यू फॉर ASM, ठीक है, मेकिंग ASM। तो सबसे पहले ये देख लो हमारे पास स्टेट्स कितनी है, हमारे पास स्टेट्स होंगी 1 2 3 4 स्टेट्स हो रही होंगी। तो हमारी स्टेट्स कैसी होती हैं, एस नॉट होती है, एस वन होती है, एस टू एस थ्री हो जाएंगी, है ना। तो ये स्टेट्स को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट बॉक्स जो था हमारा उसका यूज करेंगे। तो देखो, स्टेट बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टेट बॉक्स, ठीक है। स्टेट बॉक्स में हमारा क्या आएगा, ये लेट्स से इसके अंदर आ रहे हैं हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो पहला स्टेट बॉक्स है एस नॉट, जिसमें हमारी वैल्यू है 00, ठीक है, 00। देखो ध्यान से सुनो हमें कैसे करना है। अब अगर हम 00 पे हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो जीरो पे ही है या तो फिर हम एक कदम वन से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें करना होगा डिसीजन बॉक्स का यूज। तो डिसीजन बॉक्स के लिए हम कहां आ जाएंगे, डिसीजन बॉक्स के लिए उसका सिंबल यूज करेंगे। हम क्या है, यहां पर इस वक्त हमारी वैल्यू है ई, ठीक है।
स्मॉल ई है तो स्मॉल ई लिख लो, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो वन है या तो जीरो है, तो यहाँ पे वन लिख लो, यहाँ जीरो लिख लो, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम जीरो पे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम वापस से इसी स्टेट पर जा रहे हैं, राइट। तो इधर मैं थोड़ा सा एस नॉट को यहाँ पर चाहो तो अंदर लिख लो, ठीक है, ये एस नॉट है हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो दे रही हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, उसी स्टेट पर हूँ ना, तो मैं वापस से उसी स्टेट पर यहाँ पर चली जाऊँगी, ये याद रखना, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी दे सकते हो, चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। आप जहाँ दो, लेकिन इसको यहाँ पर आपको दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या किया, समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा सिंपल था। जीरो अगर है तो हम कहाँ पर आ गए, ठीक है। अब अगर वन है, देखो वन है तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये जीरो जीरो पे अगर वन है तो हम जीरो वन पे चले जा रहे हैं, इसका मतलब अब हमें दूसरे स्टेट की जरूरत है। तो वन से हम कहाँ जा रहे हैं, वन से जा रहे हैं हम दूसरी स्टेट पे, ठीक है। ये दूसरी स्टेट है हमारी जो कि है एस वन, ये एस वन है, राइट, हमारी ये एस वन है, तो ये क्या है, जीरो वन है हमारी, ओके। तो अगर हम एस वन पे चले जा रहे हैं, अब वापस से अगर हम एस वन पे खड़े हैं तो हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, दो कंडीशन है, ये एरो दिखाना भूलना मत। तो दो कंडीशंस क्या है हमारी, ये है हमारी ये डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो हमारा जो ई है, या तो हमारा जीरो हो सकता है या फिर हमारा वन हो सकता है। तो अगर जीरो होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं, वापस से हम इसी पर जा रहे हैं ना, इसी पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम वन पे हैं, देखो जीरो वन पे अगर हम वन दे रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, वन जीरो पे जा रहे हैं, इसका मतलब दूसरे स्टेट बॉक्स की अब जरूरत है, ठीक है। कैसे करना है, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया हमारा दूसरा स्टेट बॉक्स जो कि हमारा है एस टू, और जो कि है यहाँ पे सॉरी वन जीरो, ओके। अब यहाँ पर आ गए, अब देखो यहाँ पर इसका जीरो भी हो गया, इसका वन भी हो गया, एरोज दिखा दिए। अब हम एस टू पे खड़े हैं, वन जीरो, अगेन इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अगेन यहाँ पर इसके लिए बनाएंगे हम डिसीजन बॉक्स, ठीक है। डिसीजन बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा इसका वन। अब वापस से यहाँ पर अगर जीरो है तो हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो जीरो पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम वापस इसको कनेक्ट कर देंगे। और अगर वन है तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट पर जा रहे हैं, जो कि है हमारी वन वन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको, यहां पर हमारा आ जाएगा दूसरा स्टेट बॉक्स, ठीक है, जो कि है हमारा लास्ट S3, है ना। इसके लिए वैल्यू क्या है हमारी, वन वन वैल्यू है, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे एरो से। अब S3 पर हैं, अगर हम जीरो दे रहे हैं तो कहाँ आ जा रहे हैं, इधर ही आ जा रहे हैं, ठीक है। S3 पे अगर हम जीरो, लेट्स मेक द हियर द डिसीजन बॉक्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मेरी जगह ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर मैंने इसको बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर बनाती हूँ मैं इसको, ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पर आएगा क्या, या तो जीरो होगा या फिर होगा वन, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं वन, तो अगर जीरो है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे क्या, ये इधर ही चला गया, ठीक है। ओ यहाँ पर देखो जीरो पे चला गया। अब अगर वन है, वन है तो कहाँ पर जा रहा है, ये जीरो पे जा रहा है अगेन, राइट। तो इसके लिए हम कहाँ पर दिखा रहे होंगे, इसके लिए हम आ रहे होंगे यहाँ से, एंड वी हैव टू शो इट लाइक दिस हियर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएंगे हम कहाँ पे, ये वन के पास, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एएसएम चार्ट्स आप ऐसे ही बनाते हो, जस्ट स्टेट डायग्राम्स देख देख के आपको आगे बढ़ना होता है। ज़्यादातर स्टेट बॉक्स और कंडीशन बॉक्स का ही यूज़ हो रहा होता है हमारे, सॉरी स्टेट बॉक्स और डिसीजन बॉक्स का ही हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। कंडीशन बॉक्स हमारा आउटपुट जब जीरो वन होता है तब हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। तो आपको ऐसे ही करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बोला, अगर होल्ड है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नाउ सी, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सजा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ आपको यही मिलेगी, अगर x1 है तो आपको काउंट करना है, और अगर x0 है तो आपको होल्ड करना है। तो इस केस में आपको स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर भी आपके टू ही बिट हैं, तो हमारे पास कितने स्टेट्स हो जाएंगे, फोर स्टेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका वन स्टेट, टू स्टेट, थ्री स्टेट एंड फोर स्टेट। गेन यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है, और यहाँ पे वन वन है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमारा एक्स वन है तो हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर एक्स वन है तो काउंटिंग हो गई, एक्स वन है तो यहाँ पर क्या हो गई, काउंटिंग हो गई। यहाँ पर भी एक्स वन है तो आगे बढ़ गए, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। अब अगर होल्ड कंडीशन है तो क्या करना है, तो जीरो पर हम कहाँ जा रहे होंगे, तो देखो जीरो जीरो पे है तो हम एक्स के लिए जीरो पे इधर ही आ रहे होंगे। होल्ड का मतलब क्या, कि हम उसी स्टेट पर हैं, हम क्या है, उसी स्टेट पर है। तो देखो जीरो वन पे है तो हम उसी स्टेट पर रहेंगे, अगर हमारा एक्स जीरो है तो, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो वन जीरो में भी हम उसी स्टेट पर रहेंगे अगर हमारा एक्स जीरो आ गया तो, ये वन वन पर भी हम उसी स्टेट पर रहेंगे अगर हमारा आउटपुट जो है वो अगर हमारा जीरो मिल गया है तो, ठीक है। बस ये हो गया हमारा क्या, स्टेट डायग्राम। चाहे तो अब इसका एएसएम बना के देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपली बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा क्या, पहला वाला, ठीक है, ये हमारा एस नॉट होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एस नॉट,
क्लियर ना। इसको हम कैसे डिजाइन डिफाइन कर रहे हैं, 0 0। तो इसके लिए दो कंडीशन आ जाएंगी हमारी डिसीजन के लिए, तो ये आ गया। और हमारे पास क्या है इस वक्त, वेरिएबल एक्स है, तो हमारे पास 0 भी हो सकता है, हमारे पास 1 भी हो सकता है। तो मुझे बताओ अगर 0 है तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम 0 है तो चले जा रहे हैं एस नॉट पे, ठीक है। अगर चाहें तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखो ये है, अगर एस अगर हमारा 0 है तो हम कहाँ चले गए, एस नॉट पे चले गए, ठीक है, एस नॉट पे चले गए। अब अगर 1 है, देखो अगर 1 है तो एस नॉट पे हम कहाँ आ गए, हम दूसरी स्टेट पर आ गए, तो दूसरे स्टेट बॉक्स बनाएंगे उसको डिफाइन करने के लिए, जो कि हमारा है एस 1। और यहाँ पर क्या है हमारा 0 1 है इसकी वैल्यू। तो अगर हम एस 1 पे खड़े हैं, तो अगर हमारे पास वापस से दो चीज़ें हैं यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए, जो कि हमारा एक्स है, तो अगर 0 है तो क्या करना है, और अगर 1 है तो क्या करना है। अब अगर 0 है तो हम कहाँ खड़े हैं, उसी पे स्टेट पे खड़े हैं, तो हम इस वक्त हम कहां चले जाएंगे, 0 है तो हम इसी स्टेट पर चले जाएंगे S1 पे, और 1 है तो अब हम आ जाएंगे दूसरे स्टेट पे। समझ में आ रहा है? तो देखो 1 है तो हम आ गए कहां पे, S2 पे आ गए। सिमिलर पैटर्न में हमें क्या करना है, डिसीजन बॉक्स को बनाना है X के। तो यहां पर है हमारा 0 और यहां पर है हमारा 1। तो अगर 0 है तो वापस देखो कि हम कौन सी स्टेट पर हैं, उसी स्टेट पर हैं, तो हम वापस से उसी स्टेट पर आ जाएंगे। एरोज डोंट बी, इसको भूलना मत, ओके। तो ये हो गए। तो अब यहाँ पर अब अगर 1 पे हैं तो वापस से हमें कहाँ जाना है, 1 1 पे जाना है। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बॉक्स बना लेंगे जो कि है S3, जो कि है 1 1। S2 क्या था हमारा, 1 0 था। तो वापस S3 पे आके दो चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर हम बना लेंगे डिसीजन बॉक्स X के लिए। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1। अगर 0 पे हैं तो हम कहाँ पर हैं, उसी स्टेट पर हैं, तो हम उसी स्टेट पर हैं, ठीक है, हम उसी स्टेट पर हैं। और अगर 1 है तो हम कहाँ चले जा रहे हैं, 0 0 वाले पे, यानी कि इधर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए, यहाँ पर बना लेंगे। देखो अगर आप चाहो तो यहां से इसको कर लो, एंड यहां पर आप क्या करोगे, इसको S1 यहां पर कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। S1 को मैंने कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे आपको बनाने हैं ये सिम चार्ट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक और मैं आपको क्वेश्चन जो है ना होमवर्क दे देती हूँ, प्लीज आप उसको कर लेना। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज PYQ ऑल्सो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मास्टर सोल्यूशन के अंदर है, जो कि आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, ठीक है। ये क्या है, देखो 2-bit अप डाउन काउंटर है, ठीक है, जिसमें आपको मोड दिए हैं। M1 होगा तो आपको अप काउंटिंग करनी है, M0 होगा तो डाउन काउंटिंग करनी है। रिमेंबर सर्किट शुड गिव आउटपुट 1 फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट, दैट्स इट, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम काउंट के लिए आपको जो है आउटपुट को 1 देना है, क्लियर। तो बस इतनी चीजें आपको देनी है ध्यान, एंड दैट्स ऑल। आपको इसका डायग्राम बनाना है, स्टेट डायग्राम, एंड आपको बनाना है इसका ASM चार्ट। तो प्लीज ट्राई दिस, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आपको कैसे आ सकते हैं, आपको Mod 3 के लिए भी आ सकते हैं, तो वो वाला एक मैं आपको डिजाइन करके बताती हूँ। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिजाइन ASM चार्ट फॉर Mod 3 अप काउंटर, ठीक है, अप काउंटर। तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है, क्या 3-bit है ना यहाँ पर, 3 है ना यहाँ पर 3, तो आपको सिंपल यूज करना है क्या, यहाँ पे 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 0, ठीक है। तो अगर आपका 1 है तो आपको बढ़ जाना है आगे, ठीक है। अब जैसे कि आप काउंटर है, तो आप काउंटर का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो अगर 0 होगा तो ये इधर रहेगा, 0 है तो ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, दैट्स इट। अब आपको इसका छोटू सा ASM चार्ट जो है वो बना देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस आपका ASM का जो टॉपिक है वो बस इनसे जो है ना क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ASM डायग्राम जो है ना, ASM डायग्राम, ये स्टेट डायग्राम, ये आपको गिवन ऑफ, देन आपको ASM चार्ट बनाना हो, तो आपका तो एक काम वहीं हो जाएगा, ठीक है। जहां पर गलती होने की पॉसिबिलिटी थी वही खत्म हो जाएगी। तो ASM चार्ट आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, एंड दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ये यूनिट सबसे ज्यादा ईजी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हमारी लॉजिक फैमिली है, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर वाले यूनिट्स हैं, ईजी है हमारे यूनिट। जस्ट DLD का यूनिट 3 थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ एंड पे था, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट 4 भी हमारा जो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑन योर PLDs, ठीक है। उसमें हम PROM देखेंगे, PLA देखेंगे, PAL देखेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट 4, ओके, ऑफ DLD। सो PLDs का पार्ट बस बाकी था, एंड इट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। PLDs मतलब क्या, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन। इसके अंदर हमें कुछ 3 टाइप्स ऑफ PLDs पढ़ने हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। PLDs वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 4, क्योंकि ASM चार्ट और PLD यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 4 से जो है ना आपको पूछे जाते हैं। तो जस्ट इनके ऊपर आपको जो है ना अच्छे से फोकस करना है। एंड आज मैं आपको लर्न करवा दूंगी कि PLD के क्वेश्चंस अगर आए तो आप कैसे उनको जो है ना हैंडल करोगे, एंड कैसे उनको सॉल्व करोगे एट लास्ट। सो PLDs का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिज़ाइन है, ठीक है, हमारे पास इसका डेफिनेशन भी
पता होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशनल पीएलडी होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक टाइप का आईसी होता है। क्या होता है, आईसी होता है जिसके पास प्रोग्रामेबल गेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमें जो है हमारे पास ऐसे बोलो कि अगर पीएलडीज हम बनाते हैं ना, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, ठीक है। लेट्स से ये आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये जो है कॉम्बिनेशन होगा किसका, एक तो होगा आपके एंड एरे का, ठीक है। यस, हमें इसको एरे ही बोलना होगा। एंड यहाँ पर होगा आपका और एरे, ठीक है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ जो है ना पीएलडीज होती हैं। बेसिकली ये जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम पीएलडी बोलते हैं एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एंड एरे और एरे होता है इसके अंदर, तो ये जो है बेसिक लॉजिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पीएलडीज की, ठीक है, टाइप्स ऑफ पीएलडी, तो हमारे पास जो है ना थ्री टाइप्स आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये टॉपिक, जस्ट हमें अंडरस्टैंड करना होता है। सबसे पहले आपका होता है पी रोम, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है पी ए एल, उसके बाद आपके पास होता है पी एल ए, ठीक है। तो जो पी रोम होता है इसका मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो पी रोम इसलिए इसको बोला जाता है। अगर इसको मैं आपको एकदम बेसिक ओवरव्यू दूं कि यस हर तीनों में क्या होता है, तो जो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है दैट इज पी रोम, इसके अंदर आपके पास जो एंड और एरे इसी बेसिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। तो जो फर्स्ट आपका एंड एरे होता है ना, वो यहाँ पर आपका डिकोडर से बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि यस ये जो है फिक्स्ड होता है, ठीक है। हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी, एक तो होगा फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड होगा एक चीज़, और एक चीज़ होगी प्रोग्रामेबल, ठीक है। प्रोग्रामेबल इसका मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं बाय प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये जो है ना दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर फिक्स्ड देखें तो हमारा जो एंड है यहाँ पे फिक्स्ड होगा, क्यों, क्योंकि हम डिकोडर इसके अंदर यूज करेंगे। और यहाँ पर जो आपका और एरे होगा वो प्रोग्रामेबल होगा। क्या होगा, आपका प्रोग्रामेबल और एरे होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, एंड इससे जो है हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब पी ए एल की बात करें तो पी ए एल मतलब क्या, पी ए एल मतलब कि प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो होगा ये जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं बेसिकली, तो एंड और का इसमें क्या सिस्टम होगा, तो यहां पर जो है ना प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है हमारे पास, और फिक्स्ड जो है हमारे पास और होता है, ठीक है, फिक्स्ड और एरे होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे क्या था, प्रोग्रामेबल और एरे था, फिक्स्ड एंड एरे था। यहाँ पर प्रोग्रामेबल एंड एरे है और फिक्स्ड और एरे है आपका, एंड इसी प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब पीएलए की बात करें तो आप बहुत श्योर हो जाने चाहिए इस चीज़ के अंदर कि यहाँ पर आपका एंड है और है, तो बेसिकली दोनों भी यहाँ पर जो है आपके प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल एंड प्रोग्रामेबल और। तो ये जो है ना बेसिक मैंने आपको बता एंड ओवरव्यू दे दिया आपको कि पीएलडीज कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं, एंड मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा दूंगी कि आपको कैसे जो है ना प्रोग्राम जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी बेसिकली उनको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पी रोम को। तो पी रोम देख लेते हैं, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, दैट इज बफर, ठीक है। तो बफर क्या होता है इसको हमें पता करना बहुत जरूरी है। पूरे पीएलडीज के अंदर हम बफर का यूज करने वाले हैं। तो बफर का जो सिंबल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ से ये आप इसको ऐसे बबल दिखाते हो। अब इसका क्या मतलब है क्या नहीं, आई विल शो यू। देखो ये जो है आपका बफर है, क्या है ये, देखो यहाँ से लेट से आपने यहाँ से कोई इनपुट दिया, लेट से आपने ए दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसका जो है ना नॉन इन्वर्टेड पार्ट मिलेगा, एंड यहाँ से आपको इन्वर्टेड उसका जो है ना पार्ट मिल रहा होगा। सो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये इन्वर्टेड एज वेल एज नॉन इन्वर्टेड इनपुट को एट द आउटपुट जो है ना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको एकदम जूम करके बताऊँ, ठीक है, जूम इन करके बताऊँ, तो ये कैसे दिखता है ना, यहाँ पर क्या है आपके पास नैंड गेट है। देखो ये है आपका नैंड गेट, ठीक है। यहाँ पर सामने भी आपके पास एक नैंड गेट है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, यहाँ से लेट से यहाँ पे आपके पास है आई नॉट इनपुट, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, आई नॉट इन्वर्ट हो गया तो आई नॉट बार मिलेगा। आई नॉट बार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चलो, और इस आई नॉट बार को मैं वापस इन्वर्ट करूँगी तो आई नॉट बार का बार मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे आई नॉट ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो मिला वही मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट
ले लूँ आउटपुट तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये आई नॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मुझे आई नॉट मिला, और यहाँ पे क्या मिला, मुझे आई नॉट बार मिला, है ना। तो इसी को बनाने का ये एक तरीका है जिसमें हमने क्या कर दिया है, यहाँ से डायरेक्ट हमने ले लिया है नॉन इन्वर्टेड एंड यहाँ पे बबल शो किया है फॉर इन्वर्टेड वन, ठीक है। तो ये बफर आपने समझ लिया, इसको इनपुट बफर हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हमें जो है यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है ना बफर को, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपके पास लेट्स से ए बी सी ये जो है ना इनपुट्स हैं, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, तो यहाँ पे आप जो बफर का यूज़ करोगे वो ऐसा यूज़ करोगे, देखो यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। आगे जो भी आपके होंगे आपको उनको देना होगा बेसिकली, एंड यहाँ पर अगेन आप इसके लिए बफर अलग बनाओगे, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में सी के लिए जो आप बफर बनाओगे वो ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो ये जो है ना बफर बनाने का तरीका होता है, द नंबर ऑफ इनपुट्स यू हैव द नंबर ऑफ बफर यू हैव टू मेक, ओके। यहाँ पे अगर देखें ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा और यहाँ पे ए बार आएगा। बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा और यहाँ पे बी बार आएगा। सी है तो यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे सी बार आएगा। तो ये जो है ना हमें याद रखना होगा, लेट्स से कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमारे पास ए बार आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पे से उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, यहां से कंसीडर करेंगे। अगर हमें हमारे पास बी आ जाए तो हम उसको यहां से कंसीडर करेंगे। तो ये चीजें होती हैं जो बफर के अंदर हमें इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैंने आपको अभी बताया था, क्या एंड एरे और एरे, ठीक है, एंड एरे और एरे। तो इसको कैसे समझते हैं, तो एंड एरे अगर मुझे बनाना होगा ना तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो एंड एरे अगर मुझे बनाना होगा, बेसिकली एंड एरे कैसे बनता है ना, यहां से आप जो है ऐसे लाइंस बनाते हो, जितने भी आपके पास एंड होंगे उतने आप यहाँ पे लाइंस बनाओगे एंड यहाँ पर एंड आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, एंड एरे, ठीक है, इसको एंड एरे बोलते हैं। अब और एरे कैसे बनता है, तो और एरे ऐसे नहीं बनेगा, और एरे आपका ऐसे बनेगा, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा उससे यहाँ पर आप जो है और एरे बना रहे होगे। लेट से यहाँ पे और एरे बन रहा है, यहाँ पे और एरे बन रहा है, एंड दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, एक एक क्लियर आइडिया जो है वो आपको सॉल्विंग से मिलेगा बेसिकली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बेसिक समझा रही हूँ ताकि आपको आगे जो है कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया, नाउ मैं आपको डायरेक्ट अब पीरोम के क्वेश्चन पर लेके चलती हूँ। उससे पहले एक और चीज़ समझो जो कि ब्लॉक डायग्राम होता है हमारे पीरोम के लिए। तो ब्लॉक डायग्राम में हमें क्या करना पड़ता है, सो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अगर आपको सिंपल पीरोम एक्सप्लेन भी करने आता है ना तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना कंपलसरी होगा। देखो यहाँ से आपका जो है इनपुट आता है, मैंने आपको बोला है फिक्स्ड एंड एरे होता है जिसमें हम डिकोडर का इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो डिकोडर सर्किट यहाँ पर होता है आपका, फिर यहाँ पे से ये कनेक्टेड होता है आपके और एरे से, ठीक है, एंड और एरे से जाके हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा होता है। अगर आपने डिकोडर पढ़ा होगा तो हमें पता है कि डिकोडर के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास जितने भी एड्रेस लाइंस आए उसकी n इंटू 2^n टाइम्स हमारा जो डिकोडर सर्किट होता है वो होता है, ठीक है। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए अभी आपने ब्लॉक डायग्राम समझ लिया, क्या होता है डिकोडर सर्किट और एरे होता है जो कि इनपुट से यहां पर हमें क्या मिल रहा होता है, आउटपुट मिल रहा होता है। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे क्वेश्चन में एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पीरोम तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो चलिए नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ एंड वी विल सॉल्व इट। सो देखो ऐसे टाइप के जो है ना क्वेश्चन हमें आते हैं एग्जाम में कि इम्प्लीमेंट करो यूजिंग पीरोम, ठीक है। तो अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है, मेरे पास क्या है, दो फंक्शंस गिवन है ए और बी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या समझूंगी बेसिकली, यहाँ पर ये मेरे पास उनका फंक्शंस एकदम मिन टर्म्स के फॉर्मेट में मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं जो क्या करना होगा ना, मैं यहाँ पर पहले समझूंगी कि मेरे जो फंक्शंस हैं उसमें मेरे पास सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, यानी कि जो एन होगा मेरा एन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कितने मेरे पास xyz राइट। तो तीन ही मेरे पास इनपुट लाइंस है ना, तो मेरे पास n क्या हो जाएगा जो कि इनपुट लाइंस के लिए होगा वो होगा मेरा 3, ठीक है। अब जैसे कि मुझे डिकोडर डिज़ाइन करना है तो मुझे डिकोडर के लिए यहाँ पर मिल गया कि यस मुझे कौन सा डिकोडर परफॉर्म करना होगा बेसिकली। तो n इंटू 2^n मेरे पास फॉर्मूला है, तो जैसे n में मुझे यहाँ पे मिल गया है तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3 × 2^3 लिख सकती हूँ। अब 2^3 का मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 8 लिख सकती हूँ, राइट। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ 3 × 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डिकोडर फॉर्म करना है, तो 3 × 8 का डिकोडर जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो डिकोडर का हमें बेसिकली यहाँ यूज करना है। अब ये फाइंड आउट कर लिया हमने n, ठीक है। एक होता है m, m मतलब क्या, नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, नंबर ऑफ आउटपुट्स, यानी कि क्या यहाँ पे देखो आपके पास कितने फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं, तो बस दो ही आपके क्या होंगे, आउटपुट्स होंगे. तो बेसिकली m क्या हो गया यहाँ पर, a एंड b है ना यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे m क्या हो गया मेरे पास, 2 हो गया. ठीक है, तो मुझे n भी मिल गया, मुझे डिकोडर भी समझ में आ गया कि मुझे कौन सा यूज़ करना है. ठीक है, और यहाँ पर मुझे m भी मिल गया जो कि नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं. तो अब मेरे पास क्या बचा, मुझे सिर्फ डिज़ाइन करना है. तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगी, देखो मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे डिकोडर यहाँ पे जो है बनाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं डिकोडर बना रही हूँ बेसिकली ये. ठीक है, तो ये डिकोडर है मेरा जो कि होगा 3:8 का. ठीक है, ये डिकोडर होगा मेरा. अब देखो मेरे पास इनपुट्स कितने हैं मुझे बताओ, एन क्या है, इनपुट लाइंस है राइट. तो मेरे पास इनपुट्स कितने हैं, 3 हैं राइट. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पे ऐसे 3 इनपुट लाइंस बना दूंगी जो कि मेरे क्या है, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो टिल 7 मुझे दिख रहा है राइट. तो बस 7 तक जो है मेरे यहाँ पर नंबर्स होंगे, यानी कि देखो मेरी जो आउटपुट लाइंस होंगी वो 7 तक होंगी. एम 0 होगा, यहाँ पे एम 1 होगा, एम 2 होगा, ठीक है, एम 3, एम 4, एम 5, यहाँ पे यस एम 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट एम 7. ठीक है, नाउ आई विल क्लोज दिस डिकोडर. ठीक है, तो ये क्या कर लिया मैंने, अपने डिकोडर को डिज़ाइन कर लिया. ठीक है, तो मेरा जो ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मुझे डिकोडर डिज़ाइन करना था एज अ फिक्स्ड एंड एरे, वो मैंने बना लिया. अब मुझे क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट लाइंस बनाई हैं वैसे ही मुझे ये सब के लिए आउटपुट लाइंस बनानी होंगी. देखो एम 0 के लिए एम 1, एम 2, एम 3, एम 4, एम 5, ओके एम 6 और एम 7. ठीक है, ये क्या कर लिया मैंने, लाइंस बना ली. अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ कि आपके आउटपुट्स कितने हैं. आउटपुट्स यानी कि m, m कितना है आपके पास, 2. तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे दो और एरे के लिए लाइंस बना लेनी है. ठीक है, तो दो आपने ये और एरे के लिए लाइंस बना ली, तो बस यहाँ पर आप जो बनाओगे ना, यहाँ पर ये आपको और एरे बनाना है. बस ये आपको क्या करना है, और एरे बनाना है. ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 5, 6, 7 ये जो हमें यहाँ पे मिन टर्म्स दी गई हैं, इनका क्या यूज़ है गाइस. तो जैसे कि ये ए है ना, तो मैं यहाँ पे इस आउटपुट को नाम दे दे रही हूँ ए, और ए वाले आउटपुट को नाम दे दे रही हूँ बी. ठीक है, तो ये वाला मेरा ए आउटपुट है. तो मुझे बताओ मेरे ए वाले में कितने मिन टर्म्स हैं, 5, 6, 7. तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे देखो 5 की जो आउटपुट लाइन है क्रॉस, 6 की जो आउटपुट लाइन है क्रॉस, 7 की जो आउटपुट लाइन है क्रॉस. ठीक है, और ये क्रॉस क्या होता है आपका, ये क्रॉस होता है कनेक्शन. क्या कनेक्शन किसका होगा, बाय फ्यूज. ठीक है, कनेक्शन बाय फ्यूज, ठीक है, जो कि होता है ड्यू टू हाई करंट. ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है. एंड यहाँ पर जैसे कि ये हमने ए के लिए करा, वैसे ही बी के लिए भी हमें दिया है 3, 5, 6, 7. तो यहाँ पे देखो 3, 5, 6, 7, दैट्स इट. एंड आपका जो पूरा का पूरा आपका जो पी रोम है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है. एंड हर टाइम अब आपको कोई भी आपको यहाँ पे फंक्शन आ जाए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सिंपल क्या करना है, आपको पहले इनपुट देखना है कि कितने इनपुट्स हैं मेरे पास, उसके बाद डिकोडर के अंदर जाके n इंटू 2^n फॉर्मूला लगा के डिकोडर फाइंड आउट कर लेना है कि मुझे कौन सा डिकोडर यूज़ करना है. अब यहाँ पर आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यस कि लास्ट जो है वो 7 है, इसलिए मैंने 7 तक कर लिया. अदरवाइज वी हैव दिस नॉलेज एज वेल कि यहाँ पर लास्ट क्या है, 3:8 का मेरे पास जो है ना डिकोडर है. तो जैसे कि 3:8 का मेरे पास डिकोडर है, तो मैक्स टू मैक्स मेरे पास 8 टर्म्स होनी चाहिए. तो 0 से लेके आप 7 तक काउंट करोगे तो आपके पास 8 टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी जो कि आउटपुट के लिए होंगी. एंड वही आपको आउटपुट लाइंस खींच देनी है. अब आपके पास कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं ए और बी. बस आपको दो और एरे के लिए लाइंस बनानी है जो कि ए और बी के लिए होंगी. ए में जितनी मिन टर्म्स है आपको उसको यहाँ पे कनेक्शन बाय फ्यूज से दिखाना है, एंड बी के लिए भी उनको कनेक्शन बाय फ्यूज से दिखाना है. सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपको पी रोम को कैसे डिजाइन करना है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप इंप्लीमेंट करोगे फुल एड
एडर को यूजिंग पीरोम, ठीक है। अब फिर फुल एडर को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो आपको क्या करना है, फुल एडर आपको पता है हम सम कैरी हम निकालते हैं फॉर फुल एडर हमें बनाना है बेसिकली, तो हम सम निकालते हैं, हम कैरी निकालते हैं एडर के लिए। सब्ट्रैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस और बोरो निकालते हैं, तो बेसिकली हमारे पास कितने आउटपुट्स आ जाएंगे, 4 आउटपुट्स आ जाएंगे जो कि हो गए सम के लिए, कैरी के लिए, डिफरेंस के लिए, बोरो के लिए। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, वैसे तो ये हाफ सोल्यूशन है लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा। येस नाउ इट्स क्लियर। ये देखो यहाँ पे आपका ए बी सी क्या है, आपके इनपुट्स हैं जो कि बेसिकली आपने जो नॉर्मल फॉर्मेट में हम 0011 लिखते हैं ना, उस फॉर्मेट में हमने ले लिया। मैंने सिर्फ एडर के लिए यहाँ पे आपको बनाया है, आप जब के मैप बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, या फिर फुल एडर अगर आपने बनाया होगा लास्ट प्रीवियस आपके यूनिट 2 वगैरह में तो वो आप देख लेना। सम और कैरी में जहाँ पर मिन टर्म्स आ जाती हैं आपकी 1 ना, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेम प्रोसीजर आपको सब्ट्रैक्टर के लिए भी यहाँ पर डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए यहाँ पे वो टेबल बना लेना है, बेसिक फुल एडर का टेबल। अब सम के लिए आप मिन टर्म्स लिखोगे कि 1, 2 और ये क्या है 4 और यहाँ पे 7, तो 1, 2, 4, 7 पे मिन टर्म्स है। सेम कैरी के लिए सेम आप करोगे डिफरेंस और बोरो के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके एक्स वाई जेड और जेड बार आ जाएंगे बेसिकली, तो ये क्या हो गए आपके, ये आउटपुट बेसिकली हम समझेंगे। यहाँ पे आपका जो है ऐसा आपके पास जो है पी रोम बन के आएगा, जिसमें आपके पास 3x8 वाला ही डिकोडर बनेगा। ए बी सी ही आपके पास 3 इनपुट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी 3 ही इनपुट्स है, राइट। और उसके बाद हमारे पास हमें 4 आउटपुट्स चाहिए ना, सम कैरी डिफरेंस बोरो के लिए, तो 4 हमारे पास और एरे आ जाएंगे जो कि सम कैरी डिफरेंस बोरो के लिए होगा। तो मैंने ये 3 बना दिए हैं, आपको ये भी डिजाइन करना है एंड दैट्स इट, आपका पीरोम। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि फुल एडर डिजाइन करो यूजिंग पीरोम, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एंड डायरेक्ट अगर ऐसे फंक्शन गिवन है तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको पीरोम समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पी ए एल। ओके, सो पी ए एल यानी कि प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है प्रोग्रामेबल, आपका क्या होता है प्रोग्रामेबल, आपका होता है एंड एरे, है ना, प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है, और फिक्स्ड आपका होता है और एरे, ठीक है, फिक्स्ड होता है और एरे। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो जो टेक्निक मैं बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी आपको सॉल्व करने के लिए, एंड PLDs के क्वेश्चन सबसे पहले जो है ना आप सॉल्व करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपली मैं आपको इसको बताऊंगी। अब जैसे कि ये है आपका प्रोग्रामेबल एंड और फिक्स्ड एरे, ठीक है। इसमें एक जो है ना मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि क्या होता है, जितने नंबर ऑफ फंक्शंस आपके होंगे, अब लेट्स से मैं आपको फंक्शंस के बारे में बता दूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स से आपके पास जो भी आउटपुट आ रहा है, लेट्स से आपके पास एक्स आ रहा है जो कि है ए बार बी प्लस बी सी बार, ठीक है, ये आपके पास एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए, 2 नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस, तो जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं ना बेसिकली, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, उतने आपके पास एंड एरे होता है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं एंड एरे होते हैं, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके होते हैं, जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स यानी कि लेट्स से अभी मैंने लिखा था x इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी सी बार है, यहाँ पे आपके पास y भी हो सकता है सी डी बार, तो कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हो गए, 2 हो गए। तो ये जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके होंगे उतने आपको और एरे यूज करना है, ठीक है। अब एक और चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो क्या है, कि जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे यानी कि जैसे कि यहाँ पर इसके पास कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, 2 नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, इसके पास कितने हैं 1 है, ठीक है। तो 2 और 1, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं आपको यहां पे नॉर्मल बना के दिखाती हूं, जैसे कि ये आपका बफर होता है, ठीक है, आपके पास ये बफर हो गए, यहाँ पर आपके पास जितने भी आपके इनपुट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि एक्स और वाई है बेसिकली हमारे पास, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एंड एरे बना रहे हैं, ठीक है, एंड एरे बना रहे हैं। तो एंड एरे के अंदर आपको जैसे कि यहाँ पर ये एक्स है ना, तो एक्स के लिए आपने ये 2 बना लिए, जिसमें ये आपका आएगा ए बार बी के लिए और ये वाला आपका आएगा बी सी बार के लिए। लेकिन ये 2 हो गए ना, मतलब कि एक जो आपका बेसिकली एक्स है उसके अंदर आपके पास ए बार बी और बी सी बार यानी कि 2 फंक्शंस हैं। तो 2 फंक्शंस आपके एक में है और दूसरे वाले में एक ही फंक्शन है, तो क्या यहां पर आप सिर्फ एक ही बनाओगे, नहीं, यहां पर आपको 2 ही बनाने होंगे। क्यों, आपको मैक्सिमम फंक्शन जो है ना उतना आपको लेना होगा, जैसे कि ये पूरा x के लिए होगा। अब x के लिए जैसा है, जैसे कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शंस 2 हैं, वैसे ही हमें y के लिए भी बनाना होगा, रादर उसकी एक लाइन खाली रहेगी, एम्प्टी रहेगी, लेकिन हमें मैक्स नंबर ऑफ फंक्शंस जितने होंगे ना उतने ही हमें बनाने होंगे एंड एरे, मैक्स नंबर ऑफ
ऑफ फंक्शंस उतने ही हमें एंड एरे बनाने होंगे बेसिकली सारे के सारे आउटपुट्स के लिए, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये सी डी बार हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, और एरे आ जाएंगे। तो और एरे कितने आएंगे इसके लिए, और एरे देखो मैंने जितना बोला है दो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है दो आउटपुट्स हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये आ गया और एरे, यहाँ पर ये आ गया और एरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स आएगा और ये वाई आएगा, सिंपल। तो बस ये जो है आपको समझना है, एंड इसी को जो है अब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे जो कि आपका आई थिंक पी वाई क्यू ही है, एंड ऑलमोस्ट मैंने पी वाई क्यूज ही लिए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ठीक है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सो आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, यूजिंग पी ए एल आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पहले जैसे हमने पी रोम के लिए क्वेश्चन देखा था, सेम वैसे ही आपको ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लगता होगा। तो जस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये देखना है कि आपको इम्प्लीमेंट कौन से पी एल डी से करना है, ठीक है। तो जैसे कि पी ए एल से हमें करना है, तो अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, अगर हमें फंक्शंस ऐसे गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको जो है के मैप बनाना होगा। यस, के मैप को भूलना नहीं है पूरी डी एल डी, जब तक आप एग्जाम दे के नहीं आ जाओ तब तक आपको मैप को नहीं भूलना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप के मैप बनाओगे, ठीक है, फॉर एफ वन। तो एफ वन यानी कि ये वाला फंक्शन है, तो ये वाले फंक्शन के लिए हम के मैप कैसे बनाएंगे, हमारे पास ए बी सी डी है, यहाँ पर फोर है, तो बेसिकली फोर इज टू फोर का हमारे पास के मैप बनेगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे लाइक दिस, फोर आपके पास क्या आ जाएंगे कॉलम्स, और फोर आपके पास रोज आ जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द के मैप बेसिकली एफ वन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, यहाँ पे आ जाएगा सी डी। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक है, जीरो 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 वन वन, तो ये हमारा हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको अंदाज़ा आ गया हो तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, यहाँ पे होता है एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14 और 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1, 3, 4, 6, ठीक है। तो 1 पे है हमारा मेन टर्म्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर क्या है, 3 पे है, फिर 4 पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 पे है, देन आपके पास 9 पे प्रेजेंट है, फिर 12 पे है, और फिर आपके पास 14 पे है। जस्ट आपको पेयरिंग करनी है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉर्ड बन रहा है, ठीक है, इसका यहाँ पे कॉर्ड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये पेयरिंग भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसकी, और यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी पेयर बन गया। इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एफ वन, जो मेरा फंक्शन आ रहा है वो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ बेसिकली इसके लिए, तो ये जो कॉर्ड है इसको मैं लिख सकती हूँ बी और बी डी बार, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बी डी बार, ठीक है। प्लस अगर मैं पेयर की बात करूँ, पेयर की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए बार बी बार डी, प्लस जो दूसरा वाला पेयर है उसकी बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी बार सी बार डी, ठीक है। तो मेरे पास कितने फंक्शंस आ गए, मेरे पास 3 फंक्शंस आ गए। अब सेम मैं के मैप बनाती हूँ फॉर एफ टू, ठीक है, लेट मी रब दिस, ठीक है। सो मैंने ना के मैप बेसिक बना लिया फॉर एफ टू। तो अब यहाँ पे 1 पे है, तो बेसिकली यहाँ पर आएगा आपका, देन आपके पास 2 पे है, देन 3 पे मिन टर्म है, फिर 7 पे है बेसिकली, तो मैं आपको सब बना देती हूँ यहाँ पे 12, 15 वाला बेसिकली। तो ये हमने बना लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको पेयरिंग करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो ये एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी ये पेयर ही बन सकता है, उसके बाद अगर देखें तो ये भी आपका पेयर ही बन सकता है, कॉर्ड के चांसेस नहीं है, और ये जो है अपनी सिंगल पेयरिंग करेगा। तो अगर मैं एफ टू की बात करूँ, तो मेरे पास एफ टू में कितने फंक्शंस आने चाहिए, 4 फंक्शंस आने चाहिए। तो मैं इनके जो पेयरिंग है ना, इनके मैं फंक्शंस यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपके पास आपको मिल रहा है ए बार बी बार सी, प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है ए बार बी बार डी, प्लस आपको मिल रहा है बी सी डी, प्लस आपको मिल रहा है ए बी सी बार डी बार, ठीक है। तो ये जो है ना आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एफ वन और एफ टू आपको मिल गए, राइट। तो एफ वन और एफ टू आपको जब मिल गए हैं, तो अब आप जो है अपना जो पी ए एल है उसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो मैं इसको रफ करती हूँ एंड आपको बताती हूँ पी ए एल कैसे अब आप ड्रॉ करोगे। तो मैंने आपको क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस आपके जितने होंगे उतने आपको क्या मिलना है, इनपुट डालना है, ठीक है। एंड वो इक्वल टू आपके किसके होंगे, एंड एरे के होंगे। तो देखो पहले तो हमारे पास ए बी सी डी है, राइट। तो हमारे जो बफर बनेंगे वो कौन से बनेंगे, ए बी सी डी वाले हमारे बफर बनेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जो है ना सारे बफर बना लेने हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो आई थिंक मैं जो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, एफ टू को मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार डी प्लस
बी सी डी प्लस ए बार ए बी बार है राइट, एक मिनट, ए बी सी बार डी बार, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, नाउ इट्स फाइन। अब जो है ना अपना बफर हम आगे लेके जा सकते हैं आउटपुट लाइंस को लाइक दिस, ठीक है। आप स्केल पेंसिल का आराम से यूज़ करना, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो आपने ठीक है आपको जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो इसके अंदर आप दो, ठीक है, ये ऐसे, ओके। सो ये तो है, ये हमारे बन गए क्या आउटपुट लाइंस बफर के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आउटपुट लाइंस आपकी बन गई, तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था कि एंड एरे जो है आपको बनाना होगा, तो एंड एरे आप हर फंक्शन का उतना बनाओगे जितना मतलब टोटल जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन होगा। इधर अगर हम बात करें तो कितने फंक्शंस हैं, 4। इधर अगर हम बात करें तो कितने फंक्शंस हैं, 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, 4। तो F1 के लिए भी मैं 4 ही बनाऊंगी और F2 के लिए भी मैं 4 ही बनाऊंगी, तो यहाँ पर जो है मुझे 4 बना लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना लिए 4 यहाँ पे, और F2 के लिए भी मैं यहाँ पे 4 बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बन गए क्या एंड एरे। तो अगर ये एंड एरे हैं तो मैं यहाँ पे एंड दे दूंगी इनको, ठीक है। तो आपको ये ऐसे बनाना है एंड एरे, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका हो गया एंड एरे। अब एंड एरे कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, हमें अभी पहले सारे फंक्शंस को भी यहाँ पे देना होगा। तो मैं पहले यहाँ पे लेट से मैं F1 को बना रही हूँ, तो मुझे बी डी बार चाहिए पहला फंक्शन, तो बी आ गया मेरा इधर, तो यहाँ पे आपको फ्यूज करना है, फिर आपका डी बार, तो यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है, फिर आपका दूसरा फंक्शन है ए बार बी बार डी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा आपका ये ए बार, फिर आपके पास आएगा बी बार, फिर आपके पास आएगा डी, ठीक है। उसके बाद बी बार यहाँ पे आएगा बी बार, फिर यहाँ पे आएगा सी बार, उसके बाद आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है। बस ये आपके पास सही है जो एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप PAL को डिज़ाइन कर रहे हो। तो अब जाके ये आपका F1 कंप्लीट हुआ, अब हम यहाँ पे F2 बनाते हैं, तो आपके पास क्या है ए बार बी बार सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार बी बार और सी आएगा, उसके बाद ए बार बी बार डी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार बी बार और यहाँ पे डी आ जाएगा, उसके बाद बी सी डी, तो यहाँ पे बी सी और डी आ गया, फिर ए ए है बी है, उसके बाद सी बार है और डी बार है, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको इनको ज्वाइन कर देना है सारे के सारे आपके ये एंड एरेस को, एंड आपको क्या बनाना है यहाँ पे, आपको बनाना है ये और एरे, ठीक है। ये आपका बन गया और एरे, समझ में आ रही है बात। वैसे यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर भी आपको ऐसे ले लेने हैं सारे के सारे एंड एरेस, ठीक है, एंड इनको मिला के आपको बना लेना है आपका और एरे। अब मुझे बताओ ये क्या था आपका फंक्शन 1 आपको दे रहा है, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है फंक्शन 2 आपको मिल रहा है, दैट्स इट। ऐसे ही आपको डिज़ाइन करना है PAL को, एंड यू आर कम्प्लीटली डिजाइंड इट, ठीक है। तो ABCD आपके क्या है इनपुट लाइन्स हैं, फिर आपके पास आपके आउटपुट लाइन्स आ गए, फिर हमने एंड एरेस को डिज़ाइन किया। बस इतनी बात PAL के अंदर याद रखो कि आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे उतने आपके एंड एरे होंगे हर फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन थे, नेक्स्ट में कभी आपको 3 फंक्शंस आ सकते हैं, तो वैसे आपको तीनों फंक्शंस के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो यूज करना होगा। जो एम्प्टी हो रहा है उसको एम्प्टी रहने दो, लेकिन उसको आपको एरे के साथ जो है बनाना होगा। सो दैट्स इट, आपको समझ में आया होगा कि हाँ PAL को आपको कैसे डिजाइन करना है। तो हमेशा याद रखो कि के मैप से आपको पहले फंक्शन निकालना होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने जाओगे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट आपके PROM के अंदर होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नोट्स के अंदर ऑलरेडी मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वो भी जाके रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज PLA। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड PLA। तो PLA क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। एंड अगर आपको अभी PAL समझ में आया गाइस, तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको बिल्कुल दिमाग भी नहीं चलाना होगा, एंड PLA आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास प्रोग्रामेबल ही एंड एरे होता है, और प्रोग्रामेबल ही क्या होता है और एरे होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रोग्रामेबल ही आपके पास और एरे भी यहाँ पे होता है, और एंड एरे भी होता है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा आया है, इंप्लीमेंट यूजिंग PLA। अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट क्या कर दिया, जो लास्ट PAL का क्वेश्चन था उसमें जो हमें फंक्शंस मिले थे वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, सेम टू सेम वही फंक्शंस है, आप जाके पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो। यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, देखो आपको के मैप बनाने आता है, आप इतने फंक्शंस तक आ जाओगे, लेकिन जो PLA डिजाइन करना है वो आप कैसे करोगे। लेट से आपको सेम क्वेश्चन आया था एंड आपको PLA से करना था, तो आपने क्या किया, पहले के मैप बनाया एंड आपने ये दोनों फंक्शंस बना लिए, तो फंक्शंस तो दोनों केस में आपको सेम ही मिलेगा क्योंकि के मैप से आप फंक्शंस ही बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये जो दो फंक्शन
क्वेश्चंस अब आपको मिल गए हैं, आप PLA से कैसे डिफाइन करोगे, डिजाइन करोगे। तो सबसे पहले तो ABCD था हमारे पास, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ABCD, ठीक है। अब ABCD आपको आ गए, यहाँ पे आपने बना लेने हैं क्या, इनपुट बफर्स, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे इनपुट बफर्स, यहाँ पे सेम फॉर्मेट में आपको करना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं है। क्या चेंज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सी के लिए बफर, और यहाँ पर ये आपका हो गया लास्ट डी के लिए बफर, ओके। अब आपको क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था PAL में क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उतने आपको एंड एरे लेने होते हैं हर फंक्शन के लिए। अब आपको वैसा कुछ नहीं करना, जितने फंक्शन है, जितने मतलब जितना F1 है उसके तीन फंक्शंस हैं तो तीन ही बनाने हैं, F2 है चार फंक्शंस हैं चार ही बनाने, F3 होगा एक फंक्शन होगा एक ही आप एंड एरे बनाओगे, सिंपल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो अब जैसे कि ये F1 है, तो F1 के लिए मेरे पास कितने हैं, तीन फंक्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे जो है ना तीन फंक्शंस बनाऊंगी, दैट्स इट। यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगी क्योंकि चार मैक्सिमम है आई नो, लेकिन वो मैं PAL के अंदर करती हूँ, PLA के अंदर मुझे वो नहीं करना है डायरेक्टली। अब देखो मैं यहाँ पे आ गई, अब मुझे क्या करना है, मैं F2 के अंदर आ गई, ठीक है। F2 के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, चार है मेरे पास फंक्शंस, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, चार एंड एरे बना लिए, ये हो गया। एक और डिफरेंस है जो होगा वो मैं को भी बताती हूँ। लेट से यहाँ पर आपका ये था एंड, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया एंड एरे, ठीक है, सिंपल था, ओके। यहाँ पर ये आपका हो गया एंड एरे, वही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे जो है ना फ्यूज करना होगा। तो बी डी बार है, तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे आपका डी बार आ गया, फिर बी बार सी बार डी आ गया, तो बी बार सी बार और डी है यहाँ पे, फिर ए बार है आपके पास, फिर आपके पास बी बार है और फिर डी है, ठीक है। उसके बाद एफ टू में आप आ जाओगे, यहाँ पे आपका आएगा ए, फिर आपका आएगा बी, फिर आएगा सी बार, फिर आएगा डी बार, फिर बी सी डी है, तो यहाँ पे बी सी डी हो गया, फिर ए बार है यहाँ पे, फिर आपके पास बी बार है, फिर आपके पास डी है, उसके बाद ए बार है, फिर बी बार है और फिर आपके पास सी है, दैट्स इट। तो ये हमने कर लिया हमारा फ्यूजन। अब आपको क्या करना है, हमने पहले PAL के अंदर क्या किया था, हमने PAL के अंदर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर इसके लिए और एरे बना दिया था, कैसे किया था इधर दिखा देती हूँ, ऐसे किया था और एरे जो है यहाँ पे बना दिया था। अब आपको जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको करना है ऐसे लाइंस बनानी है, किसकी, और एरे की, ठीक है। यहाँ पे आपने एंड एरे की जो आउटपुट लाइन्स है बेसिकली उनको आपने एक्सटेंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये ऐसे और एरे बनाना है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल आपको और एरे बनाना है। एंड अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे पहले मैं और एरे बना देती हूँ। लेट्स से यहाँ पर ये है आपका एक और एरे, ठीक है, और यहाँ पर ये है आपका दूसरा और एरे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये F1 फंक्शन है और F2 फंक्शन है जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। तो मुझे बताओ F1 फंक्शन में क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये BD बार है, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, BD बार, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है होगा बी बार सी बार डी, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी बार सी बार डी, फिर यहाँ पे आप लिखोगे ए बी बार डी, ठीक है। तो आप ऐसे सबके लिए फंक्शंस लिख दोगे, जो लाइन जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है वो। अब मुझे बताओ ये तीनों किसके अंदर है, फंक्शन F1 के अंदर है, तो ये तीनों से जो लाइन आ रही है एंड जो F1 है, तो उन दोनों को जो है ना क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आपको फ्यूज करना है। अब देखो ये चारों हमने बनाया किसके लिए, F2 के लिए, तो हमें पता है, लेकिन इसी लाइन पे नहीं कर देना, ये किसकी लाइन है, F1 की लाइन है, हमें F2 के अंदर हमारे फंक्शंस आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है फ्यूज हो जाएगा उन चारों फंक्शंस का, दैट्स इट। एंड हमारा जो PLA है वो भी यहां पे डिजाइन हो चुका है। समझ में आई मेरी बात, क्या किया है हमने यहां पे, तो PLA के अंदर हमारे जो हमें कोई भी हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस देखने की जरूरत नहीं है, जितने जिसके फंक्शंस है उतने हमें डिजाइन कर देने हैं। PAL के अंदर क्या होता है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस देखने होते हैं एंड उसके हिसाब से उसी के इक्वल जितने मैक्सिमम होंगे, चार हैं पांच हैं एंड दूसरे में एक ही है, लेकिन पांच मैक्सिमम है तो पांच ही आप सबके लिए एंड एरे बनाओगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे PLDs यहाँ पे कवर हो जाते हैं, यानी कि PROMs हमने पढ़ा, PAL हमने पढ़ा, PLA हमने पढ़ा, तीनों भी मैंने आपको विद एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन किए हैं एंड आपके ये मोस्टली PYQs ही हैं। अब जाके आप PYQs देखो, आपको कोई भी फंक्शन आए ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उसको जो है ये कर लूंगा, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको उनको यहाँ पे मतलब ना प्लॉट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो है ना एक और क्वेश्चन आता है बेसिकली, मैं आपको वो भी एक समझा देती हूँ क्योंकि हमारा फिर कोई भी कॉन्सेप्ट, यस
तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, दैट इज इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ पीएलए. ठीक है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है. तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. वरना सब लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही पढ़ के जाते हैं, एंड अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो स्किप ही करना पड़ता है एट दी एंड. तो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ पीएलए मैं आपको समझा दूंगी एक एक ब्लॉक अच्छे से. अभी ये समझो कि ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है आपके पीएलए डिवाइस का. तो आपको क्या है इसके अंदर, आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, देख लो आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं. ये फर्स्ट ब्लॉक है जो कि आपका इनपुट बफर है, ये सेकंड ब्लॉक है जो कि आपका एंड मैट्रिक्स है, ये थर्ड ब्लॉक है जो कि आपका और मैट्रिक्स है, फोर्थ है आपका इनवर्ट नॉन इनवर्ट मैट्रिक्स, और फिफ्थ है आपका फ्लिप फ्लॉप आउटपुट बफर. तो ये 5 आपके पास होते हैं ब्लॉक्स. ठीक है, अब एक एक ब्लॉक को डिटेल में पढ़ते हैं. देखो यहाँ पे आपका क्या है, इनपुट बफर है. अब ये इनपुट बफर किसके लिए यूज होता है मुझे बताओ, मैंने आपको समझाया है इनपुट बफर क्या होता है, यही होता है राइट. तो बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इनपुट बफर में आपके यही होते हैं, बफर्स ही होते हैं. हम इंटरनल आर्किटेक्चर ही तो बता रहे हैं ना, हमने इसका इंप्लीमेंटेशन तो पढ़ लिया. तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर इनपुट्स होते हैं, लेट्स से आई नॉट आई वन, यहाँ पे आई एम माइनस वन तक आपके पास इनपुट्स होते हैं जो कि इनपुट बफर में जाते हैं. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है मुझे बताओ, इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड इनपुट्स को प्रोड्यूस करता है बेसिकली. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इनपुट बफर. यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड इसको जो मैंने आपको जूम करके बताया था वो डायग्राम भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये किसके लिए हो गया, इनपुट बफर के लिए हो गया. नाउ एंड मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ से जो भी मेरा इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड मेरा जो आएगा बेसिकली आउटपुट, वो आपके इनपुट में चला जाएगा एंड मैट्रिक्स के. तो एंड मैट्रिक्स क्यों यूज किया जाता है, एंड मैट्रिक्स यूज किया जाता है प्रोडक्ट टर्म्स को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास आती हैं, पहले इनपुट बफर आता है, फिर यहाँ पे देखो ए बी सी बार ये करके ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं राइट. तो ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं. तो ये प्रोडक्ट टर्म्स कौन बनाता है, एंड मैट्रिक्स बनाता है. ठीक है, तो जो टिपिकली एंड मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपके जो है ना एन आपके एंड गेट्स होते हैं. एन एंड गेट्स यानी कि जितनी आपकी सिलेक्शन लाइन्स, एन नंबर ऑफ ही सिलेक्शन लाइन्स होती हैं और एन ही आपके पास एंड होते हैं. ठीक है, एंड एरेज होते हैं. अब जो आई नॉट होता है बेसिकली, यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे आई नॉट दो आपको मिल रहा है. तो ये दो क्यों मिल रहा है बेसिकली, ये आई नॉट है आपके पास और ये जो है आपका आई नॉट बार है. ठीक है, ये आई नॉट है, ये आई नॉट बार है. वैसे आई वन का जो आएगा यहाँ पे दूसरा, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वन यहाँ पे बार आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड दोनों भी आपको क्या मिलेंगे, आउटपुट्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि एंड मैट्रिक्स के इनपुट में हमारे पास जा रहे हैं. ठीक है, तो जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म आएगा ना, वो आप यहाँ पे ऐसे शो करोगे, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. तो जो प्रोडक्ट फॉर्म आपका आएगा वो ऐसे आएगा, आई नॉट बार. ठीक है, फिर प्रोडक्ट आई वन बार, फिर प्रोडक्ट डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे आपका लेट से आई एम माइनस वन है, यहाँ पे आपका आई एम माइनस वन लेट से आपको दिख रहा है आई एम माइनस वन के बाद. ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट टर्म्स कौन बनाता है, एंड मैट्रिक्स बनाता है. ठीक है, तो अगर मैं इसका एक सेक्शन आपको दिखाऊं कि इसका सेक्शन कैसे दिखता है, लेट मी शो ओवर हियर. आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखनी है, बाकी ब्लॉक डायग्राम बस इतना ही था जितना मैंने आपको बना के दिखाया है. जस्ट आपको हर ब्लॉक को एक्सप्लेन करना होगा, तो उसका कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ. तो जैसे कि एंड मैट्रिक्स हो गया ना, तो यहाँ पर आपका आई नॉट होता है, फिर आपके पास आई नॉट बार होता है, फिर आई वन बार. ठीक है, ऐसे करके आपके पास चीजें होती हैं. ठीक है, तो इसको आप कैसे शो करते हो एंड मैट्रिक्स को, तो आप ऐसे शो करते हो. ठीक है, आप ऐसे शो करते हो इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड जब हमें शो करना होता है ना, तो हम ऐसी वाली लाइन्स को, वेव फॉर्म की लाइन्स जो होती है ना बेसिकली, उनको यूज करते हैं. सो ये जो आपके पास लाइन्स आ गई है बेसिकली, ये आप कैसे दे देते हो ना, इनको यहाँ पे एंड मैट्रिक्स बना देते हो. तो बेसिकली एंड हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे हमें जो है ना ये P मिल रहा होता है. ठीक है, तो ऐसे जो है आपको इसको शो करना होता है. तो बेसिकली ये एंड मैट्रिक्स का जो है ना आपका डायग्राम है. तो ये भी आप जो एक्सप्लेनेशन के अंदर रख सकते हो, तो डेफिनेटली परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा. सो आई होप एंड मैट्रिक्स का जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो आपको समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू और मैट्रिक्स. नाउ और मैट्रिक्स, तो और मैट्रिक्स में क्या आएगा, देखो जैसे अभी यहाँ पर हमें प्रोडक्ट टर्म्स मिले, तो ये सारे प्रोडक्ट टर्म्स कहाँ आ जाएंगे, हमारे और मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे. अब और मैट्रिक्स क्या करेगा, ये यूज किया जाता है लॉजिक सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए. यानी कि इसको हम शो करते हैं, लेट से एस है आपके पास, तो अगर एस है तो बेसिकली हम कैसे, यहाँ पे पी नॉट पी वन है ना, तो हम इनका लॉजिकल सम करते हैं. तो मुझे यहाँ पे पी नॉट प्लस पी वन प्लस डॉट 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 जितने भी पी एन माइनस वन है, इनका यहाँ पे क्या
जाता है और मैट्रिक्स के अंदर सम हो जाता है, कितना ज्यादा सिंपल है राइट। अब इसी को ये जो सम यहाँ पर आए हैं एस नॉट एस वन एस एन माइनस वन तक, ये आपके सारे कहाँ चले जाते हैं, इन्वर्ट और नॉन इन्वर्ट मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं। एक बार और मैट्रिक्स का मैं आपको बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये आपका आता है, लेट से ये पी नॉट है, यहाँ पे आपका पी वन है एंड यहाँ पे से आपका पी एन माइनस वन जा रहा है, तो आपको सेम शो करना है। देखो यहाँ से आपका ये सेम आएगा, ठीक है, आपको ऐसे ही शो करना है, जस्ट आपको आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे और जो है ना यहाँ पे और शो करना पड़ेगा एंड इससे हमें क्या मिल रहा है, एस नॉट हमें मिल रहा है, दैट्स इट। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इसको जो है ना कंसिडर कर सकते हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्वर्ट और नॉन इन्वर्ट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये क्या है, अब देखो बेसिकली हमें पता है प्रोग्रामेबल बफर होता है, ये क्या होता है, इन्वर्ट नॉन इन्वर्ट मैट्रिक्स आपका प्रोग्रामेबल होता है, यानी कि हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन जो है ना वो हम देख सकते हैं, एक्टिव लो एक्टिव हाई आउटपुट्स को यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर हमें यहाँ पे एस नॉट मिला है, ठीक है, एस नॉट मिला है, तो यहाँ से हमें वो मिल गया, अब इसका हमें कोई इन्वर्टेड भी मिलेगा तो वो भी यहाँ पे हमें मिल गया, तो ये जो इन्वर्टेड है वो आपका ग्राउंड से कनेक्टेड होता है एंड यहाँ पे आपको क्या मिलना है, यहाँ पे आपको लगाना होता है एक्सऑर, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सॉर है यहाँ पे, तो यहाँ पे या तो हमें एस मिल रहा होता है या फिर हमें एस बार मिल रहा होता है, ठीक है, एस मिलता है या फिर एस बार मिलता है, बस इतना याद रखना है। एंड ये जो डायग्राम है ना ये आप शो कर सकते हो किसके लिए, इन्वर्ट नॉन इन्वर्ट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ। अब देखो आप इसको चाहो तो और सिंपल वे में शो कर सकते हो, अगर मैं इसको रफ कर दूँ बेसिकली जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नॉट दिखाओ, ठीक है, यहाँ से आपका एस जा रहा है, अब नॉट दिखा दिया तो इसका इन्वर्ट करके हम वापस से यहाँ पे दे देंगे, तो जैसे कि ये नॉट है तो या तो हमें एस मिलेगा या तो हमें एस बार मिलेगा, तो एक्सॉर से भी हम कर सकते हैं और नॉट गेट से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये होता है आपके इन्वर्ट नॉन इन्वर्ट के अंदर। और ये है लास्ट आपका आउटपुट बफर, जो कि फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट बफर है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्राइविंग कैपेबिलिटी, किसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी, पीएलए की ड्राइविंग कैपेबिलिटी, ठीक है, तो जो आउटपुट हमें मिलता है वो या तो हमें टोटम पोल में मिलता है या ओपन कलेक्टर में मिलता है या थ्री स्टेट के अंदर मिलता है। तो ये सब आपको सब समझ में आएगा जब आप मेरा यूनिट 5 देख के आए होंगे, जिसमें मैंने आपको TTL के 3 टाइप्स बताए थे, टोटम पोल, ओपन कलेक्टर, थ्री स्टेट वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट यहाँ पे मिलता है एंड वो जो है आपको एफ नॉट एफ वन और यहाँ पे देखो एफ एन माइनस वन इस फॉर्मेट में मिलता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट बफर से हमें इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड इनपुट्स मिलते हैं जो एंड मैट्रिक्स में जाते हैं और एंड में आपको उनका प्रोडक्ट मिलता है। तो जो प्रोडक्ट है आपके और मैट्रिक्स में जाता है और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का यहाँ पे सम हो रहा होता है। कौन सा सम? लॉजिकल सम हो रहा होता है और वो लॉजिकल सम आपके इन्वर्ट नॉन इन्वर्ट मैट्रिक्स के अंदर जाता है बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको या तो एस या फिर एस बार, यानी कि या तो इन्वर्ट या तो नॉन इन्वर्ट चीज मिलती है जो कि आपके आगे फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट बफर में जाती है एंड यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपका होता है पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ PLA। तो यहाँ जो है हमारा पूरा यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। एक और टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपको ASM जो है ना ड्रॉ करना है, ASM चार्ट बनाना है बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, तो वो जो क्वेश्चन है वो एक ही बार पूछा गया है इतने सालों में, तो उस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट नहीं भी समझोगे तो चलेगा, लेकिन अगर फिर भी आपको उसको पढ़ना है तो मैं जो है उसका सोल्यूशन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आज ही डाल दूंगी, तो वो आप वहाँ पर देख लेना। बाकी सारे नोट्स अपलोडेड है एंड ये भी आपने अब यहाँ पर समझ लिया, तो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ PLA वाला क्वेश्चन अगर आप आएगा तो इफ यू आर माय स्टूडेंट आप इसको अच्छे से कर दोगे, क्योंकि बहुत सिंपल वे में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज आप इसके ऐसे क्वेश्चंस करना एंड यूनिट 4 को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी वाइंड अप करना, क्योंकि हमें पता है यूनिट 3 के अंदर हमें टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, बाकी यूनिट 4 तो हमारा सिंपल है, लेकिन हमें जो है अगेन इसके अंदर हमारा टाइम सेव करना है, क्योंकि यूनिट 6 में थ्योरी होगी वो थोड़ा हमें लिखना होगा एंड यूनिट 5 के अंदर भी TTL CMOS के अंदर कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, तो हम जो है उसके अंदर भी अपनी चीजों को थोड़ा सा हैंडल करते हुए चलेंगे। तो यूनिट 4 जैसे कि बहुत सिंपल यूनिट है, तो इसको आप जल्दी वाइंड अप करने का ट्राई करना, दैट वाज माय टिप, ठीक है। आप अपने हिसाब से आपको जो यूनिट इजी लगे आप उसको जो है कम टाइम में वाइंड अप करने का ट्राई करना, ठीक है। बाकी आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे यूनिट्स के वन शॉट, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड अगेन ये यूनिट 4 भी आपका पूरा DLD कंप्लीटेड है फॉर एंड सम सिलेबस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको सारे मास्टर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे एंड सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। सो इफ यू हैवंट जॉइंड द चैनल यू कैन स्टिल जॉइन, क्योंकि आपको सेमेस्टर 4 की भी चीजें वहां पे मिल जाएंगी एंड देन आई विल बी क्लोजिंग दिस, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ उन मेंबर्स पे अब फोकस करना है
जिन्होंने ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में ले लिया है. ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे. एंड आपको पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.